नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, राजवीक का अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो लाइव हो चुका है और इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ये मेरी चौथी से पांचवी वीडियो हो सकती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में सारी चीज़ें मैं पहले से बता चुका हूँ। इसकी साइट के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में, इसके जो फ्लोर प्लान है उसके बारे में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज था, कुछ लोगों की बहुत मेजर इंक्वायरीज हैं, कॉल पे कॉल आई जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग मैं कुछ आपके साथ शेयर कर लूं, ताकि हो सकता है कि आपकी वो इंक्वायरी है वो सोल्व हो सके। एक है, लोगों की इंक्वायरी है भाई ये प्रोजेक्ट तो सोल्ड आउट हो चुका है पहले ही 2 से 3 घंटे में, एक ये इंक्वायरी है। दूसरा, जो मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ कि मैं इसके अंदर अप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या मैं इसके अंदर अप्लाई करूं या ना करूं, और क्या मैं कैटेगरी 4 के अंदर अप्लाई करूं तो मेरे चांस हो सकते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक और मेजर रिक्वायरमेंट लोगों की आती है कि हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें, कहाँ पे करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग पहली बार अप्लाई करते हैं तो उनको नहीं पता होता है इसका प्रोसेस कैसे है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बता देता हूं कि इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट पे जाना है गूगल के अंदर। गूगल क्रोम के अंदर आपने टाउन TCP हरियाणा को आपने सर्च करना है। उसके बाद आपने आपके राइट साइड में आइकन आएगा कि अप्लाई फॉर ई ड्रो अप्लीकेशन के लिए, अफोर्डेबल के लिए, उसके ऊपर क्लिक करके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इसके रिगार्डिंग प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, टेलीग्राम चैनल में डली हुई है, आप स्टेप बाय स्टेप देख के भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड, इसमें जो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट रहती है वो होती है एफिडेविट की, तो एफिडेविट भी हमने टेलीग्राम चैनल में डाली हुई है। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहां से लिंक काम नहीं करे तो आपको टेलीग्राम में जाके, जो टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नाम दिया हुआ है वो वहां पे जाके आप सर्च करके आप ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एफिडेविट कैसे करनी है, एफिडेविट को प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के उसके ऊपर देखना है कि उसके ऊपर 10 रुपये लिख रखा है या 20 रुपये स्टैम्प पेपर लिख रखा है। तो अगर 10 है तो 10 के ऊपर से और 20 है तो 20 के स्टैम्प से, ऐसे आपने करना है। आपने प्रिंट निकाल के 10 रुपये की टिकट लगानी है या 20 रुपये की, वो जो भी अमाउंट दे रखा है, तो आपने क्या करना है, एक टिकट लगा लेनी है। टिकट लगा के अपने पेन से वहाँ पे जो भी डिटेल रिक्वायरमेंट है, आपकी कैटेगरी 3 है तो कैटेगरी 3 के हिसाब से, कैटेगरी 4 है तो कैटेगरी 4 के हिसाब से आपने डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आपको वहाँ पे जाके कोर्ट के अंदर खुद ही नोटराइज कराए तो बेटर रहता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ब्रोकर को कॉल करते हैं और ब्रोकर को कहते हैं कि हमारी एफिडेविट बना दो। दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको अपनी एफिडेविट खुद बनवानी चाहिए, क्योंकि एफिडेविट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होगा उसी के बिहा पे कल को बाय चांस ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हों जो एफिडेविट के अंदर मेंशन कर दी गई हों और कल को कोई इंक्वायरी बैठी तो वो दिक्कत आपके ऊपर आ सकती है। तो इसलिए दोस्तों, आप एफिडेविट अपने खुद हिसाब से बनवा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, सेकंड सवाल आता है कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि सर, ये तो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो बंद हो चुकी है, कि इसके अंदर जितने भी फ्लैट हैं वो सोल्ड आउट हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट के ऊपर लाइव रहता है टिल डेट तक आप बेझिझक होके आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मैं वीडियो के थ्रू आपको नहीं बता सकता, क्योंकि लोग मेहनत कर रहे हैं तब तक उसके अंदर अप्लीकेशन भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने पहले अप्लाई किया है तो आपका फ्लैट वो निकलेगा, जो बाद में भी अप्लाई कर रहे हैं वो भी ड्रॉ के अंदर जाएंगे और कोई सबसे पहले अप्लाई कर रहा है वो भी ड्रॉ के अंदर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाद में करेंगे तो आपके जो फ्लैट है वो निकलने के चांस कम रहेंगे। आप जैसे कि राजवीक 8 तारीख से लाइव हुआ है और आगे जो भी लास्ट डेट इसकी पड़ती है वहाँ तक आप बीच में कभी भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि जल्दी वाला का निकलेगा बाद वाले का नहीं निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे ये अफोर्डेबल हो चाहे कोई भी अफोर्डेबल हो, सबकी सेम इंक्वायरी होती है, सबका सेम प्रोसेस होता है। कभी भी आप कहीं भी बैठे हो अप्लाई कर सकते हो। और बात आती है एफिडेविट की, तो एफिडेविट आप इंडिया के किसी भी कोने के अंदर से एफिडेविट बनवा के डाल सकते हो,
कि आपके पास अगर सी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके पास कोई भी लाइसेंस कॉलोनी के अंदर कोई किसी भी प्रकार का कोई फ्लैट नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से भी अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, आपकी वहाँ पे किसी भी प्रकार की लाइसेंस कॉलोनी के अंदर कोई प्रॉपर्टी है जो रजिस्टर्ड हो चुकी है, रजिस्ट्री आपके पास प्रॉपर्टी है, तो वो भी आप कैटेगरी नंबर 4 के अंदर आएंगे, आप कैटेगरी नंबर 3 के अंदर नहीं आएंगे। ये आप ध्यान रहे। ज़्यादातर लोग आपको ये भी कहेंगे कि आपके पास ऑलरेडी अफोर्डेबल है तो आप भी एक अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल गलत राय है। आप पे सिर्फ एक ही अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट खरीद सकते हैं, दो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं खरीद सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि अगर बाई चांस कल को कुछ होता है और आप इसकी पॉलिसी के अगेंस्ट पाए जाते हैं तो आपके ऊपर 200% तक की पेनल्टी होगी और साथ में आपका जो फ्लैट है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, लालच में आके चीज़ों को अप्लाई ना करें। पहले सबसे पहले अगर आपको पॉलिसी के बारे में नहीं पता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी आखिर में है क्या, क्या क्या इसके अंदर टर्म कंडीशनें रखी गई हैं, कैटेगरी नंबर 3 के लिए क्या है, कैटेगरी नंबर 4 के लिए क्या है, तो हमने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी इस पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से डाला हुआ है और हमने अपने ब्लॉग के अंदर भी इस पॉलिसी के बारे में क्लियरिटी से वहाँ पे आपके लिए प्रॉपर चीज़ें वहाँ पे मेंशन की हुई है। तो आप हमारा ब्लॉग भी ज़रूर रीड करते रहें साथ के साथ, क्योंकि हम वहाँ पे अपडेट चीज़ें वहाँ पे डालते रहते हैं आप लोगों के लिए। एक चीज़ और आती है कि सर क्या हम कैटेगरी नंबर 4 के अंदर अप्लाई करें तो क्या हमारा निकल सकता है? उसके अंदर क्या सिस्टम आता है कि मान लीजिए आपके पास दिल्ली एनसीआर या कोई लाइसेंस कॉलोनी के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप उसके कैटेगरी नंबर 4 के अंदर आएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये एक ड्रो सिस्टम है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की चीज़ों को हम 100% ये नहीं कह सकते कि आपका चीज़ें है जो एप्लीकेशन 3 या 4 कैटेगरी के अंदर आते हैं वो निकलेगी, और ना ही हम 100% नेगेटिव ये कह सकते हैं कि आपका ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, ये सिर्फ एक ड्रो सिस्टम है, ड्रो सिस्टम के थ्रू ही आपका फ्लैट निकलेगा। कोई आपको ये कहता है कि आपका हम निकलवा देंगे कुछ अमाउंट दे के, तो ये भी राय है वो बिल्कुल गलत है। किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए और आप अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को अप्लाई करें किसी भी अफोर्डेबल के अंदर जाके। कई बार कुछ अफोर्डेबल्स होते हैं जिसके अंदर जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं कुछ कैंसिलेशन यूनिट आते हैं, जो आज आप जनरल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कुछ यूनिट आ जाते हैं, क्योंकि लोग कैंसिल कर देते हैं, उनका कोई रीज़न होता है कैंसिल करने का, क्योंकि वो सेल तो कर नहीं सकते। 5 साल से पहले आप प्रॉपर्टी को नहीं सेल्स कर सकते अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत। जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी, रेडी होने के बाद 1 साल के बाद गवर्नमेंट उसका लोग जो 5 साल का है वो ओपन करती है, तब जाके प्रॉपर्टी रीसेल मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, उस टाइम जाके ही आप प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर कोई आपको ये कहता है कि जी इसके अंदर कुछ यूनिट अवेलेबल है तो कुछ प्रीमियम चार्ज करता है बिल्डर, जिसको हम हैंड टू हैंड अलॉटमेंट भी बोलते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके रिक्वायरमेंट, क्योंकि लेकिन वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना होता है। लेकिन जब कोई फ्रेश प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना पड़ता है, कोई चाहे अलॉटमेंट आपको कोई कंफर्म करके दे रहा है, सिर्फ मैनेजमेंट कोटा की यूनिट को छोड़ के बाकी सारी जो भी यूनिट आती है जनरल कोटा की वो नॉर्मल ड्रो के अंदर जाती हैं। उसके अंदर किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई ये कहता है कि जी मैं 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये या 3 लाख रुपये में आपको ये यूनिट निकाल के दे दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो सारे के सारे फ्रॉड कॉल होती हैं। तो आप इन चीज़ों से बच के चलें। और अगर आपको ये लगता है कि भाई राजवीक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, आज आपको लोकेशन पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आगे 4 साल में आपको डिलीवर होगी, तो 4 साल के हिसाब से आप प्लानिंग करो, क्योंकि आज वहाँ पर ना तो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएँ हैं ना बाकी रहने के लिए ऐसी कोई मेजर जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कोई स्कूल या हॉस्पिटल्स, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अंडर डेवलपमेंट एरिया है। तो आगे 4 साल के अंदर इस एरिए की जो आप इस टाइम लोग देख रहे हैं कि अभी रोडें हैं वो बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी हो रहा है, तो ये सब बनने में 4 साल का टाइम तो चाहिए चाहिए। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो आपको प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा, सेल्फ यूज का प्लान है तो आपको तब भी इस प्रॉपर्टी के अंदर पेशेंस बनाना होगा, क्योंकि जब आपको प्रॉपर्टी ये हैंडओवर होगी 4 साल में तो वहाँ पे कई चीज़ें हैं वो रेडी हो जाएंगी, तो आपके हिसाब की चीज़ें हैं।
डिपेंड करता है कि आप ये प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी की जो रिक्वायरमेंट आपकी है, भाई आपका ऑफिस कहाँ है, आप बच्चों को किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं, किस टाइप के स्कूल में आप इनको पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से इस प्रॉपर्टी की लोकेशन डिस्टेंस आप जरूर देखें, उसके बाद ही जाके आप प्रॉपर्टी को में आप अप्लाई करें। प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये माई वन कंस्ट्रक्शन से ये प्रोजेक्ट बनेगा, और इस प्रोजेक्ट में जो भी आपके जो पेमेंट प्लान है वो जाएगा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। जैसे जैसे बिल्डर काम करता रहेगा वैसे वैसे आपके पास जो डिमांड है प्रॉपर्टी की वो आपके पास आती रहेगी। आप 90% तक बैंक लोन इसके अंदर करवा सकते हैं, 10% आप सेल्फ फंडिंग करके, और 90% का जो बैंक लोन है अगर आप लेना चाहते हैं तो उस बैंकर का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फ्री फील होके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं और आप अपने लोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपका लोन कितना होगा। पहले लोन सेंक्शन कराइए उसके बाद आप किसी भी प्रॉपर्टी को अप्लाई कराएं, क्योंकि बाद में जाके आपको ही नुकसान होना है, आपका ही डिसीजन है, तो वो आप सोच लीजिएगा कि आपको कैसे पहले करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि जो भी इंक्वायरी मेरे पास आ रही थी तो मैंने उसी हिसाब से आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करी हैं। तो आप ज़्यादा इसको डीप से समझना चाहते हैं तो मैंने 4-5 वीडियो जो पहले बना रखी हैं आप उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैंने अप्लाई करने का तरीका बता रखा है, लोकेशन के बारे में बता रखा है, इसका फ्यूचर कैसा है, क्या चीज़ें, वो सारी ऑलरेडी मैंने बताई हुई हैं। तो लिंक इन सभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, और फ्रॉड होने वाले ऐसे सिस्टमों के बहकावे में ना आए, और आप एक जेन्युइन तरीके से इस प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप फ्री फील होकर उसकी इंक्वायरी करके ही आप प्रॉपर्टी बाय करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।